हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ ले ली है अमूल की फ्रेश क्रीम और ये एकदम चिल्ड है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी इस बोल में डालने के बाद। और ये देखिए, अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये पिसी हुई चीनी है, ये मैंने घर पे ही पीस के रख ली थी। और मैं इसमें डाल दूँगी 3 चम्मच चीनी। और चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये घुल नहीं जाती। और मैं यहाँ ले लूँगी कुछ फ्रूट्स और मैं एक एक करके अब इस क्रीम में फ्रूट्स डालूँगी। मैंने ग्रेप्स डाल दिए हैं ब्लैक वाले, और अब मैं ग्रीन वाले ग्रेप्स इसमें डाल दूँगी, बनाना इसमें मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी मनपसंद का कोई भी फ्रूट इस क्रीम में डाल सकते हैं। फ्रूट क्रीम में कोई भी फ्रूट डाला हो तो वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये बहुत ही अच्छा डेजर्ट है, कोई भी गेस्ट आए बस 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है ये। और ये देखिए, मैंने सारे इसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं। और अब मेरे पास अनार नहीं था तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप करके चुकंदर, और मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चुकंदर का कलर इस क्रीम में बहुत ही अच्छा आता है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप लोग भी ट्राई करिए। मैंने अच्छे से क्रीम को फ्रूट्स में मिक्स कर लिया है और अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। मैं एक सर्विंग डिश में इसको निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने ये सारी क्रीम को निकाल लिया है और अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है दिखने में। और बहुत ही अच्छा डेजर्ट है, एकदम ठंडा ठंडा। इसको यूज़ करिए, खाइए इसको। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।